फिल्मी फिल्मी सा है ना। अरे भैया ये तो बस शुरुआत है, कह लीजिए ट्रेलर है। Vibes. MLTX. तो शुरुआत ऐसी रही है तो व्लॉग की तो उम्मीद आपकी बढ़ गई होगी। तो बिल्कुल आपको वैसे ही मिलने वाला आगे सब कुछ माहौल, तो एंजॉय कीजिए ईयरफोन लगा के, मस्त रहो। ये कहानी है तब की जब शायद आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे, और आप और हम क्या उदयपुर भी नहीं था। लगभग 1000 साल पुराना ये इतिहास है, और इतना तगड़ा इतिहास है ना कि चचा आप रोज़ बाहर से गुजर जाते हो, यहाँ से गंगूकुंड के बाहर से, धूलकोट के एरिया से, लेकिन आपको इस इतिहास के बारे में 1% भी जानकारी नहीं होगी। सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भैया इस जगह के पीछे इतना तगड़ा इतिहास है। हम तो सोचते थे कि केवल यहाँ पे घूम सकते हैं, महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, या फिर प्री वेडिंग शूट के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जगह का जो इतिहास है बहुत ही गहरा पुराना है। यहाँ के महाराणाओं से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ तगड़ी वास्तुकला का प्रदर्शन है यहाँ पे, और जो नज़ारे हैं वो तो भैया आप खुद देख ही सकते हो। तो इसमें मिलेंगे आपको ढेर सारे सिनेमेटिक शॉट और इतिहास की बहुत तगड़ी जानकारी। तो वो कहानी आप लोग जानो, उससे पहले आप ये जान लो कि आप लोगों के होस्ट कौन है। मेरा नाम है हिमांशु और इसका नाम है खुशवंत। हेलो दोस्तों, हम लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को देते रहते हैं ताकि आपको मिले जानकारी, थोड़ा आईएएस या यूपीएससी में हेल्प, नहीं इतनी तो नहीं देते हैं खैर, लेकिन उतनी देते हैं कि भैया आपको जानने को मिल जाए कि मेवाड़ में क्या क्या है, या आप लोग जहाँ पे घूमने जाते हो वहाँ पे एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है क्या क्या। तो बस इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग आए हैं गंगूकुंड और महासतिया, मतलब बोल सकते हो कि धूलकोट एरिया में आए हैं, जो कि उदयपुर की एक ऐसी विरासत है ना जिसको हम लोग इतना मतलब सहेज के नहीं रख पा रहे हैं। इसका सेंस ये कि हम लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन हमको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास में इसकी हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है। कुछ वीडियोस मैंने देखी थी लेकिन मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना लोगों तक पहुँचाई जाए, क्योंकि लोगों तक थोड़ी अपनी रीच है। तो आज हम लोग इसी जगह के बारे में बताने वाले हैं, यहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी जो कि अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं लेकिन बहुत तगड़ी कहानी है। राजा गंधर्व सेन की वो कहानी जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग बातचीत करते हैं, और महासतिया में कितने पिलर हैं, क्या है, क्यों है, क्योंकि आप लोग बाहर से देखते जाते हैं और काफ़ी लोग खाली प्री वेडिंग शूट करके निकल जाते हैं, तो वो भी आपको मिलने वाला है। और सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ढेर सारे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, काफ़ी शानदार सा माहौल है। और आगे वीडियोज़ में आपको दिखने वाले हैं ढेर सारे सिनेमेटिक शॉट्स और ऐसी कुछ जानकारी जो शायद आपने इमेजिन नहीं की होगी। तो मिलते हैं आगे। उदयपुर के आयर क्षेत्र या कह लीजिए धूलकोट क्षेत्र में स्थित इस जगह का बहुत तगड़ा महत्व है। आसपास वाले लोगों को घूमने के लिए जगह मिल चुकी है, गार्डन और ओपन जिम, जिन लोगों को पूजा पाठ करना है उन लोगों के लिए मंदिर है, और जिन लोगों को इतिहास का अच्छा नॉलेज है उन लोगों के लिए जगह खरे सोने से कम नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं महादेव जी से ज़रा वार्तालाप करने, उनकी कुशलक्षेम पूछने, और सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे यहाँ पे हनुमान जी को। आप तब तक दर्शन करिए, हम प्रणाम वणाम कर लेते हैं भगवान को। जय जय सियाराम। और क्योंकि भैया आज है अनंत चतुर्दशी, जिस दिन गणपति महाराज का विसर्जन किया जाता है, तो जरा इनसे मुलाकात कर लीजिए। हालांकि जब तक वीडियो आएगी तब तक शो थोड़ा लेट हो चुका होगा, लेकिन दर्शन तो कर ही सकते हैं, क्या ज्यादा। और आई गेस आप यहाँ पे मछलियाँ देख पा रहे होंगे बड़ी इजीली, क्योंकि काफ़ी साफ सुथरा सा पानी है, एकदम क्लैरिटी के साथ में आप देख सकते हो कि कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब सुबह के टाइम पे लग रहा है कि यार किसी मंदिर में है, किसी ऐतिहासिक जगह पे है, वो एहसास, वो फीलिंग यहाँ पे है, बहुत अच्छी वाली। और ये है गंगूकुंड के जस्ट निकट में स्थित महादेव जी का एक शानदार सा मंदिर। ये यहाँ का मुख्य शिवलिंग है जहाँ पे आकर के पूजन वगैरह किया जाता है, और पंडित जी रोज सुबह यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। तो भैया आपने नज़ारा तो देख लिया कि गंगूकुंड दिखता कैसा है, और यहाँ पे महादेव जी की प्रतिमा भी स्थापित है, महादेव जी स्थापित है, लेकिन गंगूकुंड के बारे में असली कहानी क्या है, और इस जगह का नाम गंगूकुंड है भी या फिर नहीं। तो गंगूकुंड तो हम लोग कहेंगे क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम है गंगोद्भव कुंड, गंगा का जहाँ से उद्भव हुआ है। लेकिन ये कथा आई कहाँ से और ये कहानी है क्या,
तो मैं बताने वाला हूँ आपको यही कहानी। तो बात है बड़े काफ़ी टाइम पहले की, कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व, यानी कि 1000 ईयर्स अगो, अंग्रेजी देख रहे हो, भूलनी पड़ती है ज़रा सा, मतलब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो 1000 वर्ष पूर्व की ये कहानी है कि जब एक राजा हुआ करते थे, नाम था उनका गंधर्व सेन। गंधर्व सेन जिनको एक बड़ा अजीब सा श्राप मिला हुआ था, जिसमें कि वो दिन में गधे बन जाते थे और रात में इंसान का रूप धारण कर लेते थे वापस नॉर्मल वाला। अब ये श्राप उनका लगभग पूरी उम्र तरह चला जब तक वो जीवित थे, लेकिन इस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने की थी तपस्या तगड़ी वाली, किनकी, माँ गंगा की, कि मुझे श्राप से मुक्ति दिला दो। श्राप से मुक्ति तो उनको नहीं मिल पाई, लेकिन एक चीज़ जो उनको मिली वो ये कि भैया जब भी आपके 100 दिन पूरे होंगे, अर्थात आपका जीवन काल पूरा हो जाएगा, तब आपको मैं आऊँगी मुक्ति दिलवाने। कौन? गंगा माँ। उन्होंने वादा किया था तपस्या करने के बाद में, उनको ये वरदान दिया था। तो ठीक है, गंधर्व सेन जी ने कहा बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गंधर्व सेन जी के जब 100 दिन पूरे हुए, यानी कि जब उनका पूरा मतलब उम्र वगैरह पूरी हो चुकी थी और देहांत हो गया, स्वर्गलोक उनका सिधारना हो गया, तब उनकी जो होती है दाह संस्कार वगैरह किया गया। जो आप महादेव जी का मंदिर देखा वाइट कलर वाला पूरा, वहीं पर तो दाह संस्कार वगैरह किया गया उनका। एक दिन बाद घर वाले आए उनके, मतलब जो भी थे सारे राज परिवार के लोग, अस्थियाँ लेने। लेकिन दिखने वाली बात ये थी कि भैया चिता बुझी नहीं थी, उसी तरीके से भगभग के जल रही थी। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि किसी कारणवश रह गई हो, लेकिन सबसे मेन बात यह है ना कि कोई कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि कोशिश करा कि उस चिता को जैसे तैसे करके ठंडा किया जाए, शांत किया जाए। उन लोगों ने थोड़ा पानी छिड़का ताकि चिता शांत हो जाए और वहाँ से अस्थियाँ लेकर के जा सके। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर पानी उड़ेला तो चिता और तगड़े तरीके से भभक उठी। सोचने वाली बात है, पानी डालने पर चिता भभक उठी, कितनी मतलब अद्भुत सी चीज़ है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आया, उन लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई अद्भुत सी चीज़ हो रही है तो छोड़ते हैं, हम 2-3 दिन बाद आएंगे। वो लोग 2-3 दिन बाद आए तो चिता ऐसे ही जल रही थी, 4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, स्टिल वो चिता जल रही थी, और लगभग 7 दिन तक इसी तरह वो चिता जलती रही। 7 दिन बाद में हुआ क्या कि माँ गंगा ने जो उनको आशीर्वाद दिया था, माँ गंगा ने कहीं से भी रास्ता बनाया, वादा ऐसा हम लोग भी नहीं निभाते किसी से आज भी, लेकिन पहले के टाइम की बात है, भगवान जब वादा करते थे भगवान भी निभाते थे, हम इंसान होकर भी नहीं निभाते। खैर, गंगा माँ ने अपना वादा निभाया और वो वापस आए। कहाँ पे? यहाँ पे गंगा जी का चौथा उद्भव स्थान यहाँ पे कहा जाता है। तो जो गंगू कुंड है वहाँ से जलधारा फूट पड़ी नीचे से और उनकी चिता को गंगा माँ के पानी ने शांत किया। ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले, लिटरली मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी, तो बड़ी शानदार सी बात लगी मेरे को। तो उनकी चिता जब शांत हुई तब गंगा माँ ने उनको टच किया था, तब जाके उनकी चिता शांत हुई थी और उनकी आत्मा को शांति मिली। उसी जगह पे बना हुआ है ये महादेव जी का जो बोल सकते हैं मंदिर, उन्हीं के ऊपर उनकी समाधि कही जा सकती है, वो है गंधर्व सेन जी की। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और अच्छी लगी तो ये शेयर कर देना। बाकी आगे महासत्या के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेन गंगू कुंड, जहाँ पर कहा जाता है कि महाराजा गंधर्व सेन की चिता को मुखाग्नि दी गई थी और यहीं पर उनकी चिता शांत हुई थी। और ये सफ़ेद कलर का मंदिर है, यहीं पे इनका समाधि स्थल भी है और साथ ही साथ महादेव जी का मंदिर भी। अच्छा, महादेव जी का मंदिर क्यों है और हर जगह शिवलिंग क्यों है उसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लो कि यहाँ पे अपनी विश पूरी करने के लिए आप सिक्का या कुछ अंदर फेंक नहीं सकते हो, क्योंकि ढेर सारी मछलियाँ हैं और गलती से वो निकल ले तो उनके लिए दिक्कत का सबब हो सकता है। हाँ, मछलियों को दाना ज़रूर डाल सकते हो और बस पुण्य कमा सकते हो ज़रा सा। तो हाल फिलहाल जब लोग हम यहाँ पे शूट कर रहे थे, हमको 3-4 लोगों ने बताया, पहले मेरे को लगा कि ऐसा ही होगा पुराने टाइम से, ये जो पीछे की तरफ आपको दिख रहा है टूटा हुआ हिस्सा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1-2 साल पहले तगड़ी बारिश वारिश आई थी और टूट गया, और तब से काफ़ी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस दी, काफ़ी सारे लोगों ने बताने की कोशिश करी कि भैया ये टूट चुका है पूरी तरह से, लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई वीडियो देखता है और किसी की यहाँ तक पहुँच है कि भैया आप करवा सकते हो सही, तो यहाँ पे आइए, दिखाइए पुरातत्व विभाग या देवस्थान विभाग जिनके भी अधीन आता है, और प्लीज़ करवाइए, क्योंकि यार सहेजना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब आने वाली पीढ़ी को जब चीज़ें मिल नहीं पाएगी ना, दिखेगी नहीं, तब हमको लगेगा कि यार काश उस टाइम पे हम थोड़ा ध्यान देते, उस टाइम पे हम थोड़ा सोच लेते अपनी जगह के बारे में, क्योंकि यार पहाड़ों पे तो हम बहुत जा रहे हैं, नदियों के पास में हम बहुत जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास में है उसकी वैल्यू हमको है नहीं। मैं आपको इस वीडियो में ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कारण ये है ना कि ये जो दुर्दशा है ना उसको देख के अपन साफ बता सकते हैं कि भैया हम लोग कितने जागरूक हैं अपने उदयपुर की संपत्तियों को लेकर के। क्योंकि भैया हिमालय चल जाएंगे, हिमाचल चल जाएंगे, लेकिन रहना तो यहाँ है, तो जहाँ रहना है वहाँ के बारे में जागरूकता से अगर हम लोग कार्य करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये वो अंकल है जिन्होंने हमको बताया था कि ये सब है, और आप ज़रा बताइए। तो प्लीज़ अगर किसी की रीच में कोई है तो बिल्कुल बताइएगा। अब आगे चलते हैं।
भैया बात यूँ है कि दिन में हम लोग आए थे यहाँ पे शूट वूट करने, दिन में नहीं सुबह सुबह, दिमाग काम नहीं कर रहा जल्दी जाके, इसलिए तो सुबह सुबह आए थे हम शूट करने कल, तो शूट वूट किया लेकिन थोड़ी वर्षा वृष्टि हो गई तो हमको काफ़ी जाना पड़ा। आज सेकेंड डे आए हैं, थोड़ा धूप वूप निकली हुई है और आसमान देख सकते हो मतलब कितना क्लियर क्लियर लग रहा है और हम भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट्स बालों के साथ लिया जाए या टोपी के साथ। आई थिंक दिस वन इज़ प्रीटी कूल। हाँ तो इसी के साथ करते हैं, देखने वाले हो आगे तुम, आगे आप लोग शानदार सिनेमैटिक शॉट्स और पीछे में और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलते आगे। पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वीडियो बनाने के बाद की क्या होता है मतलब सब कुछ काम, तो ठीक है आगे आप देखने वाले नज़ारे तगड़े वाले। बाय बाय। मुझे कई लोग कहते हैं कि भई तुम किसी बाहर की जगह पे क्यों नहीं जाते, इतने सारे लोग पहाड़ों में घूम रहे हैं, नदियों के पास जा रहे हैं, झरनों के पास जा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं जाते? जाओगे तो ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी और ज़्यादा आसानी से तुम लोगों को मतलब रीच मिल पाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है ना कि जब आपकी आसपास की जगह आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लो और एक एक डिटेल उसके बारे में पता चल जाए तो बाहर घूमना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आसपास का पता नहीं और चले मियाँ बाहर घूमने कि भैया हम बताते हैं आपको कि कश्मीर में क्या है, कन्याकुमारी में क्या है, तो वो करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि एक बार अपने आसपास के बारे में यानी अपना जो असली देसी कल्चर है उसके बारे में जान लिया जाए, अपनी आँखों से उस हर एक चीज़ को देख के आँखों से जहन में उतार लिया जाए और समझ लिया जाए कि कितनी खूबसूरत है मेरी अपनी सिटी, कितना खूबसूरत है मेरा अपना परिवेश, तब जा करके तो हम बाकी जगहों की वैल्यू करेंगे। और मैं हर जगह जा रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि कितनी शानदार शानदार तरीके की जगह मतलब बनी हुई है उस टाइम पर लोगों ने बना रखी थी और आज हमें सहेजने की कितनी ज़रूरत है। ये जानवर भी कितनी शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब जीव तो यहाँ आते हैं लेकिन इंसान यहाँ पे केवल अपने टाइम पास के लिए आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आओ और अपने मिलने वाले लोगों के साथ में यहाँ पे आओ, देखो ये अंकल लोग मेरे को शाम के टाइम वहाँ पे दिखे थे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठे हैं और इनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई थी, काफ़ी क्यूट से लोग हैं और काफ़ी जानकार लोग हैं इस जगह के बारे में। हाँ तो मेन मुद्दे की बात यह है कि खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा चाचा, आपको हर एक जगह पे जाना पड़ेगा अपना कल्चर बचाने के लिए, अपने कल्चर को समझने के लिए। तो आज ही विज़िट करें, वैसे ऐड लग कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन आप हर जगह विज़िट करो यार जहाँ आपकी जाने की इच्छा है, जो इतिहास से जुड़ी हुई लगती है जगह। और गंगूकुंड के बारे में जानकारी मुझे जितनी लगती थी उतनी मैंने आपको दे दी है। आगे आप देखने वाले हो इसी ब्लॉग का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोगों को बहुत मेहनत लगी मतलब पसीने आ गए, तो आप जानने वाले हो महासत्या के बारे में। हाल फिलहाल हम लोग हैं इस जगह के अंदर जिसको महासत्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से शूट करने का मौका मिल रहा है, मतलब बड़े छुप छुपा के आए हैं, तो देख लो रिस्क का कितना लेवल ले रहे हैं हम लोग। और जगह के जितने विजुअल देखने वाले हो सीक्रेट ले रहे हैं क्योंकि अलाउड नहीं है, और मैं किसी को भी बोलूँगा कि भैया ऐसा आप कुछ करो, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, गार्ड लोग मुझे बता नहीं रहे कि मैं कैसे परमिशन ले सकता हूँ, दैट्स वाई मेरे को ऐसे आना पड़ा, बाकी मैं नहीं आता। हाल फिलहाल आप जो जगह देख रहे हैं उस जगह का नाम है महासत्या जी। महासत्या जी क्यों नाम है इसका कारण मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि जब पुराने समय में राजा महाराजाओं की मृत्यु हो जाया करती थी या वे वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे, तब जो उनकी महारानी हुआ करती थी वो उन्हीं के साथ में सती हो जाया करती थी। अब सती होने का क्या अर्थ है कि जब उनका दाह संस्कार होता था तब वो उन्हीं के साथ में मृत्युशैया पर जाकर के अपने आप को विलीन कर देती थी उन्हीं के साथ में। इतनी तगड़ी उनकी मतलब बोल सकते हैं कि सती जो बोलते हैं सती शब्द वो इसीलिए कहा जाता है कि इतना उनका पवित्र और प्रेम था इतना तगड़ा वाला अपने महाराजाओं के प्रति या अपने पति के प्रति। एक ध्यान देने लायक बात और है कि जो गंगूकुंड है उसकी जो देखरेख करता है वो तो करता है पुरातत्व विभाग, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जगह है महासत्या जी इसकी देखभाल करता है एकलिंग जी ट्रस्ट। उसका कारण भी है क्योंकि जगह महाराणाओं से रिलेटेड है तो भाई एकलिंग जी ट्रस्ट ही करेगा इस जगह की रक्षा सुरक्षा सब कुछ, तो वही करता है यहाँ की सब देखरेख। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी समाधि स्थल है हर एक जगह पर शिव जी का ये बना हुआ है शिवलिंग। वो क्यों बना हुआ है? उसके पीछे कारण ये कि भैया शैव संप्रदाय का पालन किया जाता है। तो शिव संप्रदाय का पालन करने का अर्थ ये है कि भैया पहले के टाइम पे जितने हमारे महाराणा हुए, चाहे वो महाराणा सांगा हुए, बप्पा रावल हुए, चाहे महाराणा प्रताप हुए, उदय सिंह जी हुए,
जितने भी राणा हुए वे सभी, यहाँ तक कि आज भी, सभी मानते हैं कि भैया हम लोग दीवान हैं यहाँ के, उदयपुर के या मेवाड़ के हम लोग दीवान हैं, और जो महाराज हैं वो हैं हमारे शिव जी, वो हैं हमारे एकलिंग जी। तो एकलिंग जी हैं हमारे महाराज और हम उनके दीवान हैं, और उनको अपना अपना महाराज मानते हुए हम यहाँ पे सारा संचालन कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो सब कुछ एकलिंग जी का है। इस वजह से समाधि स्थल के पास में भी एकलिंग जी हैं, और जस्ट पास में समाधि स्थल है जहाँ पे महाराज की समाधि है, और साथ ही में उन हर एक समाधि स्थल पर उनकी जो सती महारानी हुई थी उनका प्रतिबिंब उकेरा गया है। है ना, बड़ी खूबसूरत सी बात। तो ये तो थी इस जगह के बारे में, इस जगह की संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी और देख रेख से जुड़ी जानकारी। अब बता देते हैं ज़रा इतिहास की, भैया कब बनी है जगह और क्यों बनाई गई, किन्होंने बनवाई। तो भैया आप सभी लोगों को पता होगा कि महाराणा प्रताप जो थे उनकी समाधि है चावंड में, उनके ननिहाल में, युद्ध के बाद में उनकी समाधि वहीं बनाई गई थी। और जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह जी, उनकी समाधि यहाँ बनाई गई थी। सबसे पहली समाधि बनी थी, वो बनी थी 1620 ईस्वी में, और महासत्या जी स्थल पर सबसे पुरानी छतरी है ये, देख सकते हैं सभी लोग, और यही है इस स्थल की सबसे पुरानी छतरी और सबसे भव्य छतरी, सबसे विशाल छतरी। और एक खास बात और कि मैं आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ और, लेकिन वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसको पढ़ के आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। मैं आपको बेसिक और जानकारी बता देता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो यहाँ पे टोटल है 371 यानी 371 छतरियाँ, छतरियाँ मतलब जीरो सीनेटॉप्स हैं, सीनेटॉप जो भी बोलते हैं इंग्लिश में वो चीज़ है, तो 371 है टोटल। सबसे खास बात ये कि यहाँ पे महाराणाओं की छतरियाँ है ही है, साथ ही साथ सामंतों की, दरबारियों की, सभी लोगों की छतरियाँ हैं। लेकिन जो महाराणाओं की छतरियाँ हैं उन सबकी छतरियाँ बेहद अलग है, उनका सबका स्वरूप बेहद अलग है। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी बड़ी छतरियाँ वही है, और बाकी जितनी भी छतरियाँ हैं वो वहाँ महल में काम करने वाले सामंतों की, दरबारियों की, इन सब की है। तो छोटी छतरियाँ हैं सारे दरबारियों की, और जो बड़ी छतरियाँ हैं वो हैं महाराणाओं की। तो पर्टिकुलरली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरह का काम है, 15वीं सदी की याद दिलाता है मैक्सिमम। और मेरे पास में ब्लॉग में जो जानकारी थी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। इसका पार्ट टू आने वाला है जिसमें आपको आहड़ के बारे में बहुत तगड़ी जानकारी मिलने वाली है, जो कि 4000 से 6000 साल पुराना है और बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। वहाँ पे बहुत सारे हथियार भी हैं, और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए तो जन्नत है वो जगह सच्ची में। तो मिलते हैं पार्ट टू में। तो भाई लोग, वीडियो शूट करते हुए हमको लगभग हो चुके हैं 4 से 5 घंटे, और हालत ख़राब हो चुकी है, टी शर्ट वीशर्ट पूरी मतलब गीली हो गई है। अंकल बोले थे कि पानी वानी पी लो, लेकिन हमने कहा कि वीडियो ख़त्म करके पानी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, सब पियेंगे, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। और हमने कोशिश करी कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना सिनेमेटिक बनाए और इन्फॉर्मेटिव बनाए। कोशिश कामयाब रही कि नहीं रही, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और छोटसा से पूछो, छोटसा की आज क्या कंडीशन हुई है, छोटसा क्या क्या सीखने को मिला आपको आज? कंडीशन तो क्या ऐसा लग रहा है, बिल्कुल जला हुआ कंडीशनर। तो ये गुलाबी गुलाबी धूप आ चुकी है और घर जाने की इच्छा हो रही है। अंकल ने मशीनें चलाना भी चालू कर दिया है, तो हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हो, और कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और बेहतर वीडियोस और चीज़ें लेके आऊँ। संसाधन कम है लेकिन जुनून पूरा है, और कोशिश है कि हिस्ट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहे। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, काफ़ी यही है, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान वान रखना, ध्यान इसलिए रखना क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर के जाने चाहिए, पैसे वैसे भी कमाना है आप लोगों से, मजाक कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, कोरोना वोना वापस बढ़ रहा है, हम लोग मास्क लगा के घूम रहे थे खाली शूट के लिए, हमने ऐसा किया, और लोगों से दूरी बना के रखी तगड़ी वाली, आप लोग भी रखो। और चलो भैया।